ये देखें कैसे जूसी बने हुए हैं ये, और सॉफ्ट भी हैं। ये देखें कितने मजे के। आज हम बनाएंगे बिहारी कोफ्ते। तो बिहारी कोफ्तों के लिए हमने एक बड़ी प्याज ली है। पहले हम इसे पीस लेंगे। ये तो ये पिसती नहीं है, तो ये इतनी प्याज पिसी है, इसे भी तो बारीक करना होता है। बाकी प्याज ये कीमे के साथ पिसेगी। ये आधा किलो कीमा है। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते। एक चम्मच पिसी हुई मिर्ची डालेंगे हम, थोड़ा सा लहसुन अदरक डालेंगे, एक चमची लहसुन अदरक, एक चम्मच बिहारी मसाले डालेंगे इसके अंदर होममेड। इसकी रेसिपी हम पहले शेयर कर चुके हैं। ऊपर आपको आई का बटन बना हुआ नजर आ रहा है, आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे सरसों का तेल, एक चम्मच भर के डाला है हमने। घी डाला है हमने इसके अंदर एक चम्मच भर के घी डाला है। इसमें नमक डालेंगे हल्दी का, और कोई मसाला नहीं डालते। इसे भी हम हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम कोफ्ते बनाएंगे, बिहारी कोफ्ते। और ऐसे ही हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में हमने एक कप घी तेल डाला है, तेल गर्म हो चुका है। कोफ्ते डाल देंगे इसके अंदर। प्याज बिल्कुल धीमी कर देंगे हम, और ये धीमी आंच पर भी तैयार होते हैं और बहुत मजे के बनते हैं। और अब हम इसे ढक देंगे, 15 मिनट तक आप इसे ढककर पकाएं। ये देखिए कोफ्तों में पानी छोड़ा हुआ है, और ये अपने पानी में ही गल जाएंगे और पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसे पलट देंगे इस तरीके से। तो दूसरी तरफ से भी हम 2 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे। तैयार तो हो चुके हैं, तो इसी तेज आंच कर देंगे, 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। ये देखें कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे। बिहारी कोफ्ते तैयार हैं। ये देखें कैसे जूसी बने हुए हैं ये, और सॉफ्ट भी हैं। ये देखें कितने मजे के। आप लोग भी इसी तरीके से अपने घरों में बिहारी कोफ्ते तैयार करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।